श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। जाति का एक महालक्ष्मी योग लेके पैदा हुई थी, इनको महालक्ष्मी मिली और फिर महालक्ष्मी चली गई। अब इन्होंने मुझसे पूछा है कि ऐसा क्या हुआ, तो इनका हम थोड़ा सा विवरण करते हैं। शनि का पर्वत देखेंगे संपत्ति के लिए, देखिए कितनी बड़ी मछली बनी हुई है। और बहुत अच्छी एक लाइन भी है, लक लाइन देखिए, देखने से लग रहा है कितनी अच्छी लक लाइन है। लेकिन हम थोड़ा सा अगर गहनता में जाएंगे तो हम पाएंगे कि लक लाइन में खोट हो गई है कहीं कहीं। देखिए लक लाइन पहुंच तो गई है लेकिन यहाँ पे आके ख़त्म हो गई है। अगर हम इसे और मैग्नीफाई कर सके, देखिए यहाँ पे आके पूरी तरह नष्ट हो गई है। अब यहाँ पे अगर नष्ट हो गई है तो इसका असर हमें नीचे भी मिल सकता है। हम थोड़ा सा देख लें, यस देखिए यहाँ तक गई, यहाँ तक गई है। यहाँ देखिए निकली यहाँ से और यहाँ पे फिर एक गैप है। यहाँ पे एक बड़ा आइलैंड है, माफ़ कीजिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा आइलैंड है। ये जो आइलैंड है ये क्रिएट कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा डेटोरेशन दे रहा है, सबसे ज़्यादा डेटोरेशन। और इसके कारण ये लाइन ख़राब हो रही है, ये लाइन ख़राब हो रही है और फिर यहाँ पे आके एक ब्लैक स्पॉट आ रहा है और ये लाइन यहाँ पे आके ख़त्म हो जा रही है। अब शनि पे तो मछली बनी हुई है, अब इनको तो मिलना चाहिए महालक्ष्मी का योग। उंगली इनकी देखिए सीधी खड़ी है, बहुत सुंदर उंगली है, बहुत अच्छी उंगली है। ये भी ठीक है, उंगलियाँ इनकी अच्छी हैं, कुछ एक लाइन बनी है, बाकी इतना डेटोरेशन नहीं, उंगली सीधी लंबी है। तो मैं इनको कुछ उपाय भेजूँगा और इन्होंने यदि वो उपाय कर लिए, वो वैज्ञानिक उपाय कर लिए, तो जीवन की ऊँचाइयाँ पुनः हासिल हो जाएंगी। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि ये हमारे शनि का पर्वत है, ये राहु है और ये केतु है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं संपत्ति में कुछ चीज़ इफ़ेक्ट करेंगे तो ये तीनों ही करेंगे। अब राहु ये भी वायु क्षेत्र में आते हैं, शनि भी वायु क्षेत्र में आते हैं और केतु भी वायु क्षेत्र में आते हैं। तो ये हमारी हथेली के बीच वाली उंगली जो हमारे एसेट्स को दिखाती है, उसके पूरे नीचे तक, मणिबंध तक, मणिबंध के जो पहला वाला मणिबंध है वहाँ तक एक वायु पट्टी बनती है। ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। व्यक्ति की अगर ये वाली वायु पट्टी जब खराब होती है तो ही व्यक्ति के पास समस्या आती है, इसी का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये हमारा वायु क्षेत्र है और ये मन की पीड़ा, ये इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तरह तरह के दुखों से जो हमें मिलते हैं। शनि का पर्वत, राहु और ये नीचे केतु। अब देखिए इन जातिका के हाथ में केतु, केतु का पर्वत देखिए बना तो साइन अच्छा है लेकिन केतु का पर्वत मेल्ट हो रहा है, इस तरह से टिल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। देखिए इनके सुखों में कटौती हुई है, जैसे इन्होंने, अगर जैसे मान लीजिए कि इनके पास एक बहुत क्लास कार हुआ करती थी तो उसको बेच के एक एवरेज कार ली होगी इन्होंने, कुछ इस तरीके का एडजस्टमेंट ये दिखाती है। प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बने हैं शुक्र पे, कार बंगला ये सब इन्होंने भोग लिया है, मछली अच्छी बनी हुई है। लेकिन यहाँ से गड़बड़ है, देखिए नीचे से फट रहा है पर्वत, तो इनको शुक्र का थोड़ा इलाज करना है, इनको उपाय करना है। अब ये लक लाइन ख़राब क्यों हुई है, ये लक लाइन इसलिए ख़राब हुई है क्योंकि यहाँ से जाती हुई राहु लाइन, देखिए मैं नीले से बनाऊँ, यहाँ से ये और इसने काट दिया, ये हमारी लक लाइन है, मैं हरे से बना रहा हूँ, ये हमारी लक लाइन है। अब इसको ये नीली वाली राहु लाइन ने काट दिया, इसके काट देने से यहाँ पे डेटोरेशन हो गया और फिर यहाँ पे आखिरी में जड़ में डेटोरेशन हो गया। मित्र मैंने कई हाथ ऐसे देखे हैं जहाँ पे सब कुछ अच्छा है लेकिन ख़राब क्या है, ख़राब है लक लाइन के नीचे आइलैंड बन जाना। ये जो आइलैंड है और फिर लक लाइन चालू हो गई है, देखिए लक लाइन ऐसी बनी हुई है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ग्रहण लगा हुआ है। इनका चंद्रमा देखिए, चंद्रमा पे भी सब अच्छा, अच्छे साइन बने हैं।
यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ट्रायंगल उस पर्वत के पावर को तिगुना कर देता है, वर्ग जो है वो चौगुना कर देता है। नीचे भी इनकी ट्रैवल लाइंस वगैरह भी अच्छी बनी हुई है। अब जो कमी है वो है शनि के पर्वत पे पहुंच रही लाइन इनकम। शनि के मंत्र इनको मैं कुछ दूंगा, भगवान शनि के, ओम शम शनिश्चराय नमः। तो इनकी ये वायु की पट्टी पूरी अच्छी हो जाएगी, इसे हम वायु की पट्टी कहते हैं। अगर हम गुरु को अगर माने तो गुरु आकाश है, आकाश तत्व है गुरु। ये चंद्रमा है तो ये जल तत्व है। ये बुध है, ये पृथ्वी तत्व है। बुध और शुक्र एक जैसे हैं। राहु छाया है और केतु माया है। ऐसे ये सुसज्जित हैं। यहाँ पे भी जो मंगल है, यहाँ पे भी मंगल है। मंगल भी पृथ्वी का तत्व लिए हुए हैं, नहीं माफ़ कीजिए, अग्नि का तत्व लिए हुए हैं ये और ये और सूर्य। और शनि वायु का तत्व लिए हुए हैं। ये जो बनाया मैंने उंगली के नीचे की लाइन, इस तरह हमारी उंगली डिवाइडेड होती है। लेकिन हमें बीच वाली उंगली और उसके नीचे तक का जो एरिया है केतु तक का साफ सुथरा रखना चाहिए। श्री गणेशाय नमः, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।